नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेशल गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में दी हुई बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बिसु बेल गमले के अंदर कैसे लगाते हैं। पूरी विधि आपको विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से देखिए और आप भी बिसु बेल अपने घर के अंदर लगाइए। सबसे पहले मैंने गमला लिया है, उसके अंदर अच्छी सी मिट्टी तैयार की हुई है वो इसके अंदर डाल देता हूँ। मिट्टी पूरी दबा दबा के उसके अंदर भर दे ताकि जब भी पानी आए तो मिट्टी थोड़ी अंदर धंसे ना। देखिए मिट्टी चारों तरफ पूरी भर चुकी है गमले के अंदर, थोड़ी जगह रखी है पानी डालने के लिए। अब मैं पहले पानी डाल देता हूँ क्योंकि बिसु बेल के लिए पहले पानी डालना ज़रूरी होता है ताकि उसकी रूट्स अच्छी तरह से फैल सके और उसको कोई बेल जब लगाए तो उसे कोई हानि ना हो। देखिए पानी डाल दिया मैंने, अब इसे 24 घंटे के बाद इसके अंदर बिसु बेल लगाऊंगा। तो चलिए बिसु बेल जो ज़मीन पर लगाई है उसको तोड़ के अच्छी अच्छी जो टहनियाँ होंगी उसको लूँगा। दिखने में बहुत सुंदर है दोस्तों, इसके ऊपर दिन में लगभग 100 से 150 फूल खिल जाते हैं, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी खिल सकते हैं। और गमले के अंदर लगभग 50 से 60 छोटे गमले में 50 से 60 एक दिन के फूल खिलते हैं और इसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, कम से कम 2-3 क्वालिटी होती है, अलग अलग फूल होती है, वाइट होते हैं। तो मैंने तोड़ लिए, अच्छी अच्छी जो थी वो तोड़ लिए। चलिए गमले के पास चलते हैं, अब उसे कैसे लगाते हैं आप ध्यान से देखिए। मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल है, जो पानी मैंने डाला था तो वो नरम है एकदम, तो इसके अंदर आराम से जा रहे, उसके दिक्कत नहीं है पौधे को। बहुत ही आसानी से ये लग जाती है दोस्तों गमले के अंदर, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, दिखते भी बहुत सुंदर है, कम पानी चाहिए, रूट्स आसानी से 1-2 दिन में इसकी रूट्स निकल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हमने लगा दिए गमले के अंदर सारी बिसु बेल, जो टहनियाँ लाई थी वो सारी अंदर लगा दी है। दो दिन बीत चुके हैं दोस्तों, देखिए वापस एकदम अच्छी हो गई है और बहुत सारे फूल भी खिल चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर करो तो भी दिक्कत नहीं है, पानी की वजह से हो जाती है दोस्तों। अच्छी मिट्टी डाली हुई है, बहुत सारे फूल खिलते हैं और फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप भी घर के अंदर ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रकृति प्रेमी होना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों से अच्छे संबंध रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और आप भी अपना ऐसे टिप्स घर पर और अपने घर को एकदम बाग की तरह सजा देना, अच्छे अच्छे फूल लगाना गमले के अंदर। धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।